हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 15 जून 1950 है और ये इंडिया में पैदा हुई थी, लेकिन अब ये इंग्लैंड में रहते हैं। ये फेमस हैं भारत में जन्मे मशहूर अरबपति और मित्तल स्टील कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में 2005 में विश्व के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे। लक्ष्मी मित्तल कहते हैं, मुश्किल वक्त सबकी जिंदगी में आता है। कसौटी के ऐसे दौर का सामना करने में आपकी निर्णय लेने की शक्ति और समर्पण ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। कठोर परिश्रम से लंबे समय तक फायदा मिलता है। इन दिनों ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उनसे भी ज्यादा मेहनत करें। साथ ही आपको अपने काम और लक्ष्य के प्रति भी समर्पित होना होगा। कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है, हमेशा अलग ढंग से सोचे और जब भी जहाँ भी मौका मिले उसे लपक ले। लक्ष्मी मित्तल कहते हैं, यदि मैं कोई मैच देखने जाता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं स्टेडियम या क्लब को खरीदने वाला हूँ। भारतीय होना बड़ा फायदा होता है। जिस देश में 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और अनेक जातियों के लोग बसते हैं, वहाँ समस्याओं के समाधान या समझौते के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लक्ष्मी मित्तल का मानना है, हम अपनी कंपनी पर अपना पारिवारिक स्वामित्व छोड़ने के पक्ष में नहीं है। हमारा मानना है कि जिस कंपनी पर परिवार का स्वामित्व हो, वह अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर सकती है। यूरोप में कई कंपनियां हैं जिन पर किसी परिवार का स्वामित्व है और वे कंपनियां बहुत सफल है। लक्ष्मी मित्तल कहते हैं, हम बाजार पर अपनी कंपनी का माल लाद देने में विश्वास नहीं करते। बड़ी कंपनियां शायद ऐसा मार्ग अपना सकती हैं, लेकिन यदि कोई छोटी कंपनी ऐसा करने जाए तो उसे घाटा ही होगा। बाजार की शक्तियों का सामना कर पाने वाली मजबूत कंपनी ही शेयर होल्डर्स और कर्मचारियों को लगातार फायदा देकर खुश रख सकती है। आज के युग में देशों के बीच सरहदों के बंधन नहीं रहे। आप भारतीय पासपोर्ट रखते हैं या ब्रिटिश या अमेरिकी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि अब भी लोगों को यह समझने में वक्त लगता है कि विश्व तेजी से बदल रहा है। हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, हमें गतिशील बनना होगा। जैसे कि हम हाईवे पर चल रहे हैं और अन्य लोग हमसे आगे निकल रहे हैं, हमें होशियारी के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि कोई हमारे दाएं या बाएं से आगे ना निकल जाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, कई भारतीय स्टूडेंट्स IIT पास करने के बाद सीधे सिलिकॉन वैली का रुख करते हैं। यह अमेरिका के लिए तो खुशखबरी हो सकती है, लेकिन भारत के लिए नहीं। हमारे देश इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग देने में लाखों रुपए खर्च करता है, इस उम्मीद से कि भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देंगे। इंडिया आज आप जैसे अधिक बिजनेसमैन रुझान वाले युवाओं के लिए जबरदस्त अवसर उपलब्ध करा रहा है। इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज है कि अमीर लोगों की सोच और समझ और एक्शंस में कितना फर्क होता है हम जान सके, और इस वीडियो से हम कुछ सीख सके जिससे यह हमारे खून में उतर जाए और हमारी थिंकिंग ही वैसी हो जाए जिस पर हम सबका हक है। इस वीडियो से आपकी मदद हो रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियोस, बायोग्राफीज और बुक समरीज मैं एवरीडे अपलोड करता रहूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।